नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सा स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। आईपीएल बहुत जल्द शुरू हो जाने वाला है, मतलब मार्च शुरू हो चुका है और आज से और यहां से सिर्फ 22 दिन बचे हैं। 23 मार्च से आईपीएल 2019 से यानी कि सीजन 12 का जो कारवा है वो शुरू हो जाएगा। उससे ठीक पहले जो आईपीएल को लेकर लगातार एड्स आ रही हैं, लगातार प्रमोशंस हो रहे हैं, उसका सिलसिला यहाँ पे जारी है। फैंस के बीच में उत्सुकता बढ़ाने की भरसक यहाँ पे आईपीएल मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि उत्सुकता कायम रहे और जो आईपीएल का मज़ा है वो बरकरार रहे। और इसी के बीच में जो दो सबसे पहले ऐड आए हैं उसमें है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ऐड आया है, और उनके साथ जो दो उनके प्रतिद्वंद्वी दिख रहे हैं, एक तरफ जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के नंबर वन तेज गेंदबाज है, वहीं जो दूसरी तरफ है वो है ऋषभ पंत। कमाल की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग करते नज़र आए हैं हमें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के उस ऐड के बारे में और उस पर विराट कोहली के रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह का जो आईपीएल का ऐड आया है उसमें जसप्रीत बुमराह ने ये कहा है कि बेशक मैं दुनिया का नंबर वन गेंदबाज हूँ, लेकिन जब तक मैं दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज की विकेट ना उड़ा दूँ तब तक नंबर वन गेंदबाज कैसे बन सकता हूँ। और इस पर विराट कोहली का रिएक्शन आ गया है। विराट कोहली ने कहा है कि इस ऐड के दौरान में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें चीकू भैया कह के बोला है कि चीकू भैया तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। और इस रिएक्शन इस ऐड के बाद विराट कोहली का रिएक्शन आया है, उन्होंने कहा है कि कप्तान के साथ स्लेजिंग यानी कि चीकू भैया बोल के बुला रहे हो तो मुझसे किसी भी तरह की उधारी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस बार मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, मुकाबला बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, वहीं दूसरी तरफ हैं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। भारतीय टीम के भी मौजूदा कप्तान है विराट कोहली, शानदार फॉर्म में है। जैसा कि हमने पिछले T20 में देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पिछला T20 मैच था वहाँ पे विराट कोहली का बल्ला जमकर चला, वहाँ पे 72 रन बना के नवाज रहे थे कप्तान विराट कोहली। तो किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देंगे वो आईपीएल में, इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं। वहीं अगर हम जसप्रीत बुमराह की यहाँ पे बात करें तो जसप्रीत बुमराह नंबर वन गेंदबाज हैं ODI के, तो आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के सबसे मजबूत जो गेंदबाज हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह, और ये दोनों खिलाड़ी जब आमने सामने होंगे, दुनिया का नंबर वन गेंदबाज और दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज, तो उस मैच की रौनक कितनी होगी, फैंस को कितनी ज़्यादा वहाँ पे उत्सुकता होगी कि कैसी गेंदबाजी देखने को मिलती है और कैसी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। बहरहाल अब हम दूसरे ऐड की तरफ बढ़ते हैं जो स्टार स्पोर्ट्स ने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे डाला और ट्विटर पे यहाँ पे साझा किया, वो है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी का ऐड। ये ऐड पहले आया था ऋषभ पंत ने, जिसमें कहा था कि उन्होंने धोनी से बहुत कुछ सीखा है, वो धोनी को देख देख के विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं, लेकिन अब धोनी उनके सामने होंगे। और उन्होंने कहा कि अब उनकी टीम के जो गेंदबाज है उनकी खैर नहीं है, धोनी तो विकेट के पीछे होंगे लेकिन जो उनके गेंदबाज हैं जो कैप्टन कूल कहे जाते हैं माही, उन्होंने कहा कि मैं इतने छक्के बरसाऊंगा, इतने रन बरसाऊंगा कि कैप्टन कूल कूल नहीं रह पाएंगे। इस पर महेंद्र सिंह धोनी का भी रिएक्शन आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने जवाब दिया है कि जब मैं भी युवा था और नया नया आया था तो मेरे अंदर भी इतना ही जोश था। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत के चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और साथ में ये भी कहा है कि अपना खेल दिखाओ और नाम बनाओ। तो ये ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बढ़िया खेल दिखाओगे तो बढ़िया नाम होगा और टीम में भी जो जगह पुख्ता करने की यहाँ पे लगातार बात हो रही है वो कर पाओगे। तो देखना होगा कि ऋषभ पंत, जिनसे टीम इंडिया को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आईपीएल में भी फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ऋषभ पंत से, वो किस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं और क्या महेंद्र सिंह धोनी को जो ऐड में वो बात कर रहे हैं कि वो चौंका देंगे, वो चौंका पाते हैं कि नहीं। वहीं जो हम पहले यहाँ बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की, बता दें कि अभी आईपीएल के शुरू होने में तो 22 दिनों का वक्त है, लेकिन उससे पहले कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच खेला जाएगा। पहला वनडे मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह विराट कोहली की कप्तानी में ही खेलेंगे। और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी,
क्योंकि भारतीय टीम जो दो T20 मैच थे वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप कर दिया और 2-0 से ये सीरीज जीत लिया है। भारतीय टीम की वापसी की यहां पे उम्मीद है और जसप्रीत बुमराह विराट कोहली से दोनों से उम्मीदें होंगे कि विराट कोहली एक तरफ रन बनाए वहीं जसप्रीत बुमराह दूसरी तरफ विकेट चटकाकर टीम इंडिया को मैच जिताए। तो बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कल के मैच में किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं ये दोनों खिलाड़ी, साथ में IPL में जो इनका मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और RCB का जो पहला मुकाबला है वो 28 मार्च को, तो वहाँ पे ये दोनों खिलाड़ी किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे IPL से रिलेटेड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और अन्य खेलों से रिलेटेड उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ना दबाना भूलें। नमस्कार।